अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज मोहम्मदुल्लाह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि यार सब खैरियत से होंगे। तो एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। मैं इस वक्त मोहकम फर्नीचर उनके वेयर हाउस में मौजूद हूँ और इनके हमने दो रैक लगाए हैं आज, ये स्टोर रैक। तो मैंने सोचा इन पर एक वीडियो बनाई, जो पीछे लगे हुए हैं इनकी जो डिटेल्स हैं वो मैं अभी आपको दूँगा। तो इनकी क्या प्राइसेस हैं, वीडियो को ज़रा भी कीमत कीजिएगा, सब कुछ डिटेल जो है, हो सकता है ये वीडियो आपके काम आ सकती है। सो नाउ लेट्स गो। सो फ्रेंड्स, ये जो है इनका वेयर हाउस है, इन्होंने पेंट शेंट अपना सारा ज़रूरत का जो है सामान रखा हुआ है यहाँ पे। सो इनकी जो मैं इंफॉर्मेशन है, ये जो है फ्रंट पे, इसको कहते हैं हैवी ड्यूटी रैक्स। ये ज़्यादा वजन जो है उठाने के लिए बनाया गया, और इसकी जो पर शेल्फ है उस पर आप 500 kg डाल सकते हैं, यानी कि ये 1, 2, 3, 4 है, 4 शेल्फ के साथ है, यानी कि आप इस पर 4000 kg ईजिली डाल सकते हैं। और इसकी जो सबसे अच्छी बात है, ये एडजस्टेबल है ये चीज़। ये इन्होंने पिलर के साथ ये देखें खाने बने हुए हैं, यानी कि आप इसको अपनी ज़रूरत सामान प्रोडक्ट के मुताबिक ऊपर नीचे या जितने भी शेल्फें जो हैं आप इसके अंदर डाल सकते हैं, ये जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये आज हमने इनको लगाए हैं ये दो, ये भी हम ही लगा के गए हैं, लेकिन तब मैंने चैनल नहीं बनाया था अपना। तो ये जो है ये स्टोर रैक है, इसकी जो पर शेल्फ है उस पर आप तकरीबन 100 kg डाल सकते हैं, और ये कितनी है 5, यानी कि 500 kg एक पे डाल सकते हैं। और हैवी ड्यूटी है इसकी, एक पे आप 500 kg डाल सकते हैं, यानी कि ज़्यादा हैवी हो जाता है, ये हैवी सामान प्रोडक्ट्स के लिए हो जाता है। तो इसकी जो हाइट है, ये इसकी क्या हाइट थी, 8 फुट हाइट है और 45 इंच जो है इसकी डेप्थ है। और ये वेयर हाउस में आप यूज़ कर सकते हैं अपने स्टोरेज प्रोडक्ट रखने के लिए, जैसा कि इन्होंने रखे हुए हैं अपनी वीडियो में सारे। सो फ्रेंड्स, ये रैक जो आपने थंबनेल पे देखा होगा, ये रैक हमने तैयार किया है। तो इसकी जो डिटेल्स हैं हम आपको अभी बताते हैं। इसकी जो हाइट है वो तकरीबन 3 फुट है, और इसकी ये तकरीबन 4 शेल्फों के साथ है, और इसको टायर भी लगाए हैं। और टायरों की एक यूनिक बात है, ये इसके आगे ब्रेकें लगी हुई हैं। हिलाई ज़रा सी इसको आगे पीछे कर, ये ब्रेकें लगी हुई हैं, और ये ब्रेकें ओपन की तो वाह, ये मूव करेगा। सो इसका जो इस्तेमाल है वो आप ज़्यादातर हेयर कटिंग की शॉप में कर सकते हैं, या डिनर वगैरह प्रोवाइड करने के लिए इन्होंने बनवाया हमसे, तो सोचा इस पर मैं एक वीडियो बनाऊं। सो ये रैक है, इसकी जो प्राइस है वो डिफरेंट है, डिस्क्रिप्शन में मैंने वैसे स्टैंडर्ड साइड की दी हुई है, ये डिफरेंट है क्योंकि ये आउटसाइड है और ख़ुद बनाया है, और ये बड़ी यूनिक चीज़ है। सो मुझे लगा इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए, तो मैंने बनाई है। सो फ्रेंड्स, ये थी डिटेल जो मैंने आपको बताई है। तो यार अगर किसी ने किसी को चाहिए हो, क्योंकि ये हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, हमारी फैक्ट्री भी है, उसका भी जो है उस पर एक वीडियो मैं बना के डालूँगा, वो भी ज़रूर दिखाऊँगा कि कैसे रैक्स बनते हैं। तो यार अगर आपको कोई इंफॉर्मेटिव चाहिए रैक्स के मतलब, कोई मसला आ रहा है तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपका मसला हल कर सकूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आ रहा है, आप इस पर भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ख़रीदने के लिए। अगर आपको आप न्यू नहीं बाय कर सकते, आपको यूज़ में चाहिए, सो यूज़ में भी मिल सकते हैं आपको, हमारे पास यूज़ में भी अवेलेबल होते हैं। तो यार आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।